में इतनी ताकत होती है कि वो इंसानी रूप धार के हमारी जिंदगी में दाखिल हो सकती है। कहते हैं बॉलीवुड के आसमान में जिस सितारे को चमकना होता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती है। इस वक्त मेरे साथ है वंश भारद्वाज, आइए उनसे जानते हैं क्योंकि उन्होंने एंट्री करी है प्रीति जिंटा के साथ दीपा मेहता की फिल्म में। आपको नहीं लगता कि आपने अपने करियर की स्टार्टिंग एक बहुत ही सीरियस रोल से की है? जब भी मैंने काम करने का सोचा है तो मुझे हमेशा ये लगा कि जब भी मैं अपना डेब्यू करूँगा तो किसी अच्छे बड़े इंटेंस रोल के साथ करूँगा। मुझे इंटेंस काम करने में बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और आई थिंक वही मेरी जो इच्छा थी वो शायद पूरी हो गई है इस चीज़ के साथ। और किसी तरह का कोई डर नहीं है कि ये बहुत इंटेंस है या सीरियस रोल मैं कर रहा हूँ। कौन है? क्या मैं वो नहीं जो जो तुम चाहती हो? प्रीति जिंटा ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश एक्ट्रेस है, काफ़ी सीरियस रोल कर चुकी है, काफ़ी कॉमेडियन रोल कर चुकी है, ऐसे में उनके साथ काम करना आपको नहीं लगा कि स्टार्टिंग ही आपने एक बहुत एस्टेब्लिश एक्ट्रेस के साथ की है, कहीं ना कहीं आपका काम दब जाएगा, कुछ इस तरह से मन में नहीं आया आपके? आप जब अब कह रही हैं तो लग रहा है कि ऐसी कोई बात भी हो सकती है, बट ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल कभी भी नहीं था। मुझे काम करने का इतने बड़े लेवल पे मौका मिल रहा था, मेरे लिए यही बहुत है। थप्पड़ों की बरसात आपने प्रीति जिंटा के ऊपर की है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा और आपका रहा? थप्पड़ों के अलावा बहुत सारा प्यार भी है, वो जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो जो शेड है जो अभी इस सब पब्लिसिटी में उभर कर नहीं आ रहा, वो एक सरप्राइज एलिमेंट है फिल्म का, वो आपको फिल्म में पता चलेगा कि मैं एक्चुअली जो दूसरा शेड निभा रहा हूँ वो क्या है, वो बहुत लवेबल कैरेक्टर है। रही बात थप्पड़ की, तो कभी असली में तो नहीं मारा थप्पड़, कभी लग गया और फिर बाद में सॉरी कहना पड़ा? ये भी हो चुका है, बट एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ये आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, सो आपको सीखना है और आगे बढ़ना है, उस चीज़ को आप लेके बैठ नहीं सकते। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा चाँद? कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप फिल्म करना चाहेंगे, या आपकी दिली इच्छा है कि प्रीति जिंटा के बाद अगर आप मूवी करें तो वो भी आपके साथ काम करें? सबके साथ काम करना चाहूँगा, सबका एक अलग अपना स्टाइल है, रेंज है। रानी मुखर्जी के साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा ब्लैक देखने के बाद, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर। नई एक्ट्रेसेस हैं, असिन है या दीपिका है, आई मीन आई वुड लव टू वर्क विद एवरीवन। एक एक्टर के तौर पे मैं हर तरह के काम करना चाहता हूँ, हर लोग के साथ काम करना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ वंश भारद्वाज, जो हमें बता रहे थे कि प्रीति जिंटा के साथ उनका काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। साथ ही वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि उन्हें दीपा मेहता के साथ पहली फिल्म करने का मौका मिला। ये तो देखने वाली बात ही होगी कि आखिर वंश भारद्वाज अपने आप को कितना प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि उनके साथ इस फिल्म में प्रीति जिंटा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ सबीना तमांग, लाइव इंडिया, दिल्ली। हमारी कामना में इतनी ताकत होती है कि वो इंसानी रूप धार के हमारी जिंदगी में दाखिल हो सके।